नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। लाखों खर्च होने के बाद भी नल जल योजना ढप, जिरिया और कुओं के सहारे बसे ग्रामीण, शिकायत के बाद भी नहीं हो रहा समस्या का समाधान। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार जल जीवन मिशन योजना के तहत नल योजना में लाखों रुपए खर्च कर रही है। साथ ही टंकी निर्माण और पाइपलाइन बिछाकर नल कनेक्शन देकर पानी उपलब्ध कराने का दावा कर रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पीएचई विभाग की ओर से टंकी निर्माण और पाइपलाइन बिछाकर नल कनेक्शन तो दिए गए, लेकिन डिंडौरी के कनेरी और खजरी गांव में ग्रामीणों के घरों में महज सप्ताह और महीने भर ही पानी पहुंच सका है। वे फिर से भीषण पेयजल संकट से निपटने के लिए झिरिया और कुओं का सहारा लेने को मजबूर हैं। अब पीएचई विभाग के अधिकारी ऑपरेटर न होने और ग्राम पंचायत की ओर से योजना हैंडओवर न लेने का रोना रो रही है। मेदवानी विकासखंड के कनेरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच फूल सिंह कुर्राम और ग्रामीण पंखी बाई बताती हैं कि एक साल पहले ही गांव में नल जल योजना के तहत 84 लाख की लागत से पानी टंकी निर्माण पाइपलाइन बिछाकर 269 घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन पिछले 9 महीने से नल योजना बंद पड़ी है। भीषण गर्मी में हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा, प्यास बुझाने के लिए तपती धूप में रोज मशक्कत करनी पड़ती है। हैंडपंप से दिन भर में 2-3 बाल्टी पानी निकलता है, साथ ही भीड़ लगी रहती है। कभी कभी तो पानी के लिए गाँव में झगड़ा तक हो जाता है। गांव के ज्यादातर लोग 1 किलोमीटर दूर स्टॉप डैम के पास बनी झिरिया से पानी लेने जाते हैं। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।